अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो का आगाज करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक करें, शुक्रिया। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आए हुए थे यहाँ पे जो जीप रैली होती है चोलिस्तान में, वहां पे हम आए हुए थे चोलिस्तान में आपको विजिट करवाने के लिए कि जीप रैली कैसी होती है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन फ्रेंड जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें पता चला कि 26 ऑफ फरवरी यानी आज ही सुबह में वो रैली जो है ना वो खत्म हो गई है। और फ्रेंड फिर हम यहाँ से वापस तो ऐसे नहीं जा सकते थे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फोर्ट है यानी किला है यहाँ पे जिसको बोलते हैं द फोर्ट दरावड़। तो फ्रेंड आए आपको विजिट करवाते हैं वहां की और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चले फ्रेंड आए अपनी विजिट का आगाज करते हैं और अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मौजूद है किला दरावड़ पे। और ये फ्रेंड ये जो चोलिस्तान का एरिया है ये चोलिस्तान में आता है और तकरीबन जो इसकी लोकेशन है ये जो सिटी भावलपुर सिटी है उससे तकरीबन 99 to 100 किलोमीटर के फासले पर है। और फ्रेंड ये जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो दीवारें हैं ये इनकी जो कुल ऊंचाई जो है ये तकरीबन 100 फुट तक है, ये इनकी जो ऊंचाई है ये 100 फुट का है। और जो इस किले की जो फ्रेंड जो रकबा है जो इसका अहाता है जो जिस एरिया पे ये बना हुआ है ये तकरीबन 25 एकड़ पे बताते हैं कि ये है जो इसकी जो कुल ये मुरब्बा शक्ल में बना हुआ है। तो चले आए आपको इसकी विजिट करवाते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि ये देख सकते हैं ये इसकी हिस्ट्री है। इस वक्त हम इसके मेन जो गेट है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इसके मेन गेट पे। और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में आता है फ्रेंड्स। और इसकी ये जो ओरिजिनल जो डेट है फ्रेंड वो कोई तकरीबन हिस्ट्री में नहीं मिलती, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बिफोर क्रिस्ट 9th सेंचुरी और ये उसमें ये बनाया गया था। और जैसा कि देख सकते हैं आप इस वक्त हिस्ट्री बोर्ड के सामने हम मौजूद हैं। तो फ्रेंड चलें आए आपको अंदर से इसकी विजिट करवाते हैं। ये इसका फ्रंट गेट है। सो जैसा कि देख सकते हैं ये इस किले की बैक साइड है और इस वक्त हम मौजूद हैं बैक साइड पे। ये जैसा कि देख सकते हैं आप जी। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आप कि मेरी बैक साइड पे भी ये अभी इस वक्त किला है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं किले पे। तो चलें आए आपको अंदर से इसकी विजिट करवाते हैं। सो जैसा कि ये देख सकते हैं बिल्कुल किले के बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो इसका फ्रंट गेट है उसके बिल्कुल सामने ये बादशाही मस्जिद है और ये भी उस ज़माने की है बादशाही मस्जिद। और बिल्कुल इसके जो फ्रंट साइड पर आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे आएँगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये फ्रंट गेट जो है किले का। ये देख सकते हैं आप ये किले का फ्रंट गेट है। और इसकी ये बैक साइड पे इस साइड पे ये किला है पीछे इसके पूरी बैक साइड पे और ये फ्रंट गेट है किले का। तो चलें आए आपको अंदर से इसकी विजिट करवाते हैं। और ये इसके फ्रंट साइड पे ये देख सकते हैं आप ये मस्जिद है। ये बिल्कुल इसकी किले की मेन एंट्रेंस है और ये देख सकते हैं ये इसका दरवाजा है जो कि लोहे का बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप
सो जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं किला देरावड़ पर, और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, इसके जब हम एंटर हुए थे तो ये सामने इसके मस्जिद थी और इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे इसका मेन गेट था, और मेन गेट से जो जैसे आप अंदर एंटर होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सामने इसके फ्रंट साइड पे किला है। तो चलें आप आ जाएं, आपको इसके अंदर से इसकी विजिट करवाते हैं। फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इसका ये फ्रंट गेट है, और चले आए आपको अंदर से इसकी विजिट करवाते हैं। ये जो पहले के जो विजिटर्स वगैरह आए हुए हैं वो अभी इधर से आउट हो रहे हैं, तो चले आए आपको इसकी विजिट करवाते हैं। सो फ्रेंड ये भी इधर ये रूम वगैरह इस्तेमाल होते थे, ये किस चीज के लिए जो इनके उस अच्छा थी जो इनके जो ये सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इसकी एंट्रेंस है, और बिल्कुल एंटर के जो जैसी मेन गेट से आप अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे ये इनकी सिक्योरिटी के लिए बने हुए थे ये जो रूम्स वगैरह हैं उस वक्त के। ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये खिड़कियां भी हैं लेकिन ये बंद हैं अभी इस वक्त, और ये भी आयरन या लोहे की बनी हुई है, और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जा सकते हैं ऊपर इजीली। ये देख सकते हैं ये इसका ऊपर का हिस्सा फ्रेंड, यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो ये अब यहाँ से हम एंटर हुए, ये जो ये सामने है यहाँ से हम ऊपर आए, और यहाँ पे ये सारे जितने भी रूम्स वगैरह बने हैं फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी के लिए थे, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे इनके ये यहाँ पर ही बैठते थे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। और जहाँ से जैसे हम अंदर से आए हैं तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे ये रास्ता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, और ये जितने भी रूम है रूम्स वगैरह फ्रेंड मैंने आपको बताया, जैसे कि ये जितने भी रूम्स वगैरह ये बने हुए ये उस वक्त सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल होते थे, ताकि दूसरी जो फौजें थी वो जब एंटर होंगे तो यहाँ से उनके जो है ना डिफेंस किया जा सके। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे यहाँ से, तो आप जैसे यहाँ से एग्जैक्ट होंगे तो इसके जैसे ऊपर आएंगे आप यहाँ से, तो इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं वहाँ पे तोप यानी कैनन रखी हुई है, तो चले आए आपको इसकी विजिट करवाते हैं। सो जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं किले के अंदर, और ये जो आप सामने जो वॉल्स वगैरह देख रहे हैं ये इसका इनसाइड व्यू है, और इसके सामने ये जो कैनन रखी हुई है ये भी जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री के तौर पे पहले बता चुका हूँ कि ये जो है 9th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट यानी ईसवी गबल अल ईसवी 9वीं सदी ये उस वक्त की फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि आप ये रखी हुई है यहाँ पे कैनन, और ये विजिट करें आप। और इस वक्त हम मौजूद हैं किले के अंदर, और जैसा कि देख सकते हैं जो ये इनसाइड वॉल्स हैं, ये जो सामने जैसे मैं देख सकते हैं आप, ये इनसाइड वॉल्स हैं यहाँ पे, सो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स और टूर्स वगैरह यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, और ये हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पे एज अ टूरिस्ट। सो फ्रेंड नाउ वी आर गोइंग टू अप फ्लोर एट द वॉल ऑफ दिस
फोर्ट। जैसा कि देख सकते हैं अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो इसकी बाउंड्री वॉल है उसको चेक करने के लिए। तो चलें आए आपको इसकी बाउंड्री वॉल की विजिट करवाते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हम ऊपर आ चुके हैं इसकी बाउंड्री वॉल के और यहाँ के यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं नीचे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां से आपको पूरा एरिया इजीली आप यहां से देख सकते हैं और ये किले की सारी दीवारें और ये जो राउंड्स वगैरह जो हमने मैंने आपको पहले विजिट करवाया था यहां पे बैक साइड का किले का ये वही साइड है और हम अंदर अभी आए हैं तो इस वजह से हम ऊपर आके फिर आपको चेक करवा रहे हैं ये विजिट करें। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं किले की जो बाउंड्री वॉल है बाउंड्री वॉल के ऊपर। यहाँ से व्यू आप पूरा देख सकते हैं जैसे पूरा व्यू आता है इस वक्त देख सकते हैं कि ये कितनी चौड़ाई है इसकी यहाँ से। और ये ईंटें भी उसी वक्त की हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं ये वाली बिल्डिंग्स भी उस वक्त उस जमाने की बनी हुई है और यहाँ से ये देख सकते हैं आप ये डैमेज भी हो चुकी हैं लेकिन इसका कोई दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं जैसा कि देख सकते हैं आप। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त ये कितनी खूबसूरत होंगी ये जगह और ये जो महल और ये सामने देख सकते हैं कि मस्जिद भी अंदर एक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम वहां से वो सामने से एंटर हुए थे और वो मेन गेट है साथ वहां से हम एंटर होकर अब इस वक्त किले के अंदर मौजूद हैं और यहां से जैसे ही आप आएंगे अंदर आने के बाद जब आप राइट साइड में मुड़ेंगे तो यहां पे ऊपर बिल्कुल ऊपर जो है यहां पे देख सकते हैं आप यहां पे ये बारह दरी है ये देख सकते हैं फ्रेंड आप बारह दरी का व्यू है ये और बिल्कुल ये उस वक्त जो यहाँ के जो राजा थे
ये उसके लिए इस्तेमाल होती थी, उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती थी ये बारादरी जो है। करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने वीडियो का इख्तिताम कर दिया था, लेकिन वापस जाते टाइम पे जैसे ही हम रोड से निकले तो हमें एक बोर्ड नज़र आया जिसके ऊपर लिखा था कि यहाँ पे मज़ारात हैं सहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फ्रेंड चलें आए आपको इसकी विजिट करवाते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं आप, वो बैक साइड पे जो किले की बाउंड्री वॉल है और बिल्कुल इसके सामने फ्रेंड ये देख सकते हैं आप कि ये बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे मज़ारात अल सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फ्रेंड ये जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, ये ज़्यारत करें और चलें फ्रेंड आपको इसकी ज़्यारत करवाते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सो फ्रेंड, कहा जाता है कि जितनी भी यहाँ पे ये जो कब्रें हैं ये सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। और फ्रेंड ये जैसा कि देख सकते हैं आप, ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं और जो 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 पहला जो नाम लिखा है वो हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरा नाम है हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरा जो नाम है फ्रेंड्स ये हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जो चौथा नाम है फ्रेंड ये देख सकते हैं हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फ्रेंड चलें आए आपको इसकी ज़्यारत भी करवाते हैं और चलें यहाँ पे। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।